आपका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हजरत कम्बल पोश रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है, उस दरगाह का जो है संदोल चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये संदोल 3 दिन रहेगा। 2 साल के बाद कोविड के परेशानी की वजह से जिस तरह से संदोल मनाया गया था, इस बार जो है अलग ही तरीके से बहुत ही धूमधाम से जो है संदोल मनाया जाएगा। तो इस बार 3 दिन का संदोल होगा, जिस 3rd दिन जो है यहाँ पर खवाली रहेगी। और पहली बार 2 साल के बाद जो है बहुत धूमधाम से आज संदोल मनाने का फिर से मौका मिला है। चलिए इसी सिलसिले में हम बात करेंगे यहाँ से कुछ जिम्मेदारों से और जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे बेंगलुरु शिवाजी नगर के हल्के में गौसे आज़म दस्तगीर की एक औलाद सरकार सैयद शाह मुहीद्दीन शाह कम्बल पोश खादी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। और यहाँ पर वो ज़माने से 160 पर 7वां संदोल मनाते हुए जा रहे हैं। और एक ऐसा आस्थाना है, यहाँ पर जो भी मुराद मंगने यहाँ पर आते हैं वो अपनी मुरादें बर लेकर जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पसी बेग साहब सरकार कम्बल पोश बाबा का एक इशारा हुआ, यहाँ पर पत्थर बिछाने के लिए आए। ये ज़मीन पर पत्थर, यहाँ पर जो ज़मीन है बहुत गड़बड़ थी। मैंने घर को जाकर कहा, आप हर आस्थाने पर खिदमत करें हैं, दरबारें बनाए हैं, मस्जिदें बनाए हैं, शहर के कुतुब बेंगलुरु में कम्बल पोश बाबा का आस्थाना है। मैंने जाकर कहा, मेरी बात पर लब्बैक करते हुए आप और आपके बच्चे आपके बेटियाँ सब भी लब्बैक करते हुए यहाँ पर खिदमत करने के लिए आए। ये पत्थर बिछाने के लिए, मगर ये बुजुर्ग का ऐसा कर्म वसी बेग पर हुआ, ये बुलंद दरवाज़ा बनाए, ये दरवाज़ा बनाए, यहाँ पर मौला अली मुश्किल कुशा का निशान बनाए, गरीब नवाज का निशान बनाए। यहाँ पर अंदर अब उरुस के मौके पर 20 दिन पहले अंदर सरकार को कांच से सजाया गया है, आयतों से हर बेल फूल से कांच से सजाया गया है। यहाँ पर एक एक ऐसी खिदमत कर रहे हैं ता कयामत तक, ये फकीर की दुआ है, ये बुजुर्गों की दुआ हमेशा इनके सर पर कायम रहे, इनके बच्चों पर कायम रहे। जो बुजुर्गों के हो जाते हैं अल्लाह उनके करीब हो जाता है, जो बुजुर्गों की खिदमत करते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। या जो है ईमान की दौलत से माला माल करे, इनके बच्चों को भी बुजुर्गों का इश्क और इनकी खिदमत का तोहफा इनको अता फरमाए। हमारी हमेशा दुआ है ये घर पर बुजुर्गों का साया रहे। और यहाँ पर हमारी कमेटी जो है बहुत मेहनत मुशक्कत से सरकार का इश्कियत लेकर जो है इलेक्शन जीत कर यहाँ पर जो कमेटी अब प्रेजेंट बैठी है, मैनेजमेंट अब चला रही है कमेटी, बरकत हुसैन सेक्रेटरी साहब, बाबू सदर साहब, खाजन असलम साहब, यहाँ पर जो यहाँ के मोहल्ले के बच्चे ये इदारे की हिफाजत कर रहे हैं, यहाँ पर हर खिदमत कर रहे हैं, हर अच्छे से अच्छा यहाँ काम हो रहा है, कमेटी अच्छे से अच्छे खिदमत कर रही है, हर को मोहब्बत से लेकर चल रही है। अल्लाह ये कमेटी को भी उम्र दराज करे। माशाल्लाह हमारे फसी भाई और उनकी फैमिली लॉकडाउन से जो मैं देख रहा हूँ दिन रात खड़े होकर इस आशियाने को सजा दिए और बुलंद दरवाज़ा बना दिए। अल्लाह ताला कई अपनों को इधर रात रात लाखों रुपए खर्च करने की हिदायत दिया, लेकिन ऐसा काम करने के वास्ते अल्लाह ताला और बुजुर्ग जो है हमारे फसी भाई को चुनी ही, और उनकी मोहब्बत में मैं भी यहाँ आना जाना शुरू किया और उनके पूरा ख़ानदान जो है इस पर लगा हुआ है। और आगे की दरगाह को भी कंपाउंड पूरा ग्रेनेड से सजाया गया है, वरना बारिश आ गया तो इतनी हमें आसान से इधर खड़े नहीं रह सकते थे, चिकड़ हो जाता था, सारा गंदा रहता था मामला। अल्लाह के बंदे उनको हिदायत दिए, पूरा आकर जो है ग्रेनेड से करोड़ों रुपए अपना जाती पैसा खर्चा कर अपने हाल औलाद को लेकर आकर सारा लॉकडाउन में यहाँ पर पूरा काम अल्लाह ताला उनसे लिया और बुजुर्ग लिए और गरीब गुरबा को खला लेकर कमेटियों से इत्तफाक से पूरा काम लेकर जो है शायद मैं पहला ये इंसान मैं देख रहा हूँ कि इतना इज्जत बुजुर्गों की करने वाले और इतना दिल से अपना माल लुटाने वाले सिर्फ अल्लाह के नाम से और बुजुर्गों के नाम से, बाकी कोई उनका इंटेंशन नहीं रहता।